नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद झांसी के थाना बबीना में रविवार को एक ऐसा प्रार्थना पत्र आया जिसमें पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि दूसरी महिला के प्रेम जाल में फंसकर उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। थाना बबीना पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता श्रीमती पूनम रायकवार निवासी बिजली घर के पास नंदनपुरा मोहल्ला थाना बबीना ने बताया कि उसकी शादी आज से 5 साल पहले झांसी के एक युवक से हुई थी, जिसका पिता बबीना के जल निगम में सरकारी नौकर है। शादी के बाद से ही वह अपने पति, सास ससुर और ननद के साथ ससुराल में रह रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के 2 साल बाद उसे ससुराली जनों द्वारा नाजायज परेशान किया जाने लगा। कई बार उसके साथ मारपीट करके उसे घर से भी निकाला गया। अपनी बूढ़ी नानी बिनिया बाई, जो बिजली घर के पास नंदनपुरा मोहल्ले में रहती है, के पास शरण लेना पड़ी। बाद में थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने राजीनामा करा दिया था और ससुराली जन उसे अपने घर ले गए थे। पूनम ने पुलिस को बताया कि पिछले 1 साल से उसके पति का प्रेम प्रसंग किसी दूसरी महिला के साथ हो जाने के कारण उसके पति ने उसका तिरस्कार कर दिया है और घर से निकाल दिया है। पूनम के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ससुराल पक्ष ने पूनम की बड़ी लड़की उम्र 4 वर्ष और 2 वर्षीय बेटे को उससे छीन लिया है। पूनम की गोद में 1-2 माह की बेटी है। ससुराली जनों द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह अपनी लाचार बूढ़ी नानी के पास रह रही है। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में पूनम ने अपने पति, सास ससुर, नंद और पति की प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। आप थाने आई हैं, क्या परेशानी है आप? जी, मेरा पति दिनेश रायकवार, आज से शादी को 5 साल हो गई। इसने अगली साल 2 साल से मेरे को अच्छे से रखा और आज ये 1 साल से मेरे को बहुत परेशान कर रहा। क्यों? नीतू नाम की औरत बड़े तालाब के पीछे रहती, वो उसको ये राखे हैं और मेरे को मारता है, डांटता है और मेरे को धमकी देता है कि तेरे को जान से मार डालूंगा। कितने बच्चे हैं तुम? मेरे 3 हैं, दो लड़की हैं, 1 लड़का है। कहाँ है वो? अभी वो इधर है, बंदा रोड पे मशीन चला रहा। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे बच्चे अभी ससुराल में हैं, जलगम कॉलोनी ब्लॉक। तो मतलब क्या परेशानी क्या है आपको अपने पति? मेरा पति मेरे को मारता है, बेबे कहता कि तू ऐसे भग जा, जान से मार डालूंगा, मैं नीतू को राखूंगा। तो क्या चाहती हो तुम बबीना थाने आई हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, बस। प्रार्थना पत्र दे दिया आपने? हाँ। और कौन कौन परेशान करता है आपको ससुराल में? मेरी सास करती है मेरे पे अत्याचार, 2 नंदे हैं मेरी, चंचल संध्या, और ससुर का नाम है हनाए रैकवार। ससुर क्या करते हैं? जल लगम में नौकरी करते, कर्मचारी हैं। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं आप? आज से करीबन 1 साल हो गई, 1 साल से बहुत मारा कुट्टी करते, 1 साल से नीतू नाम की औरत से। बबीना थाने में एप्लीकेशन दे दी आपने? हाँ। क्या कहा साहब? साहब ने ये कहा कि देखो उसको उठवा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।